अरबी वर्ड अमीन है। ओमकार भी वर्ड है। हाँ स्वामी जी एक बात बताइए, आप हिंदू मतलब आप क्या करें, भगवा पहनते हैं, हिंदुओं की तरह ओम धारण करते हैं, लेकिन कुछ हिंदू ज़्यादातर लोग कहते हैं आपने हिंदू धर्म का तो अपमान किया है। आप बिग बॉस में गए, बिग बॉस में आपने क्या किया, वहाँ पर जाकर के मांस मदिरा सब कुछ आपने लिया, वो क्यों लिया? देखिए, मैंने कोई मांस मदिरा नहीं खाया था न पिया था। मेरा जो धर्मपुत्र है मनु पंजाबी, वो पहले ब्रिटेन के एक टॉप 5 स्टार होटल में चीफ शेफ था वेजिटेरियन खाना बनाने का, और उसको सिर्फ मेरे लिए ब्रिटेन से इंडिया बुलाया गया था, मेरे साथ में रखा गया था, क्योंकि जो फॉर्मेट बना था उसमें पहले से ही डिसाइड हो गया था कि मुझे नॉनवेज जैसा चीज़ें खाते हुए दिखाएंगे जिससे कि TRP बढ़े। और आप ये देखिए, जैसे आपका सोयाबीन चाप होता है, दिखता तो मांस जैसा है लेकिन असल में मांस होता नहीं है, वो तो सिर्फ सोयाबीन का से बनाया हुआ चाप होता है। तो ये खाना बनाने में मनु पंजाबी एक्सपर्ट है, बल्कि मनु अभी मेरे से मिलने के नहीं, लिए दिल्ली पहले जा रहा था, आपने मैं मनु कहा से भी था बिग बुला बॉस में, दूंगा। आपने कहा था कि ये अब तो खा ही लिया है, अब खाने में क्या दिक्कत है, नहीं, आपने ये तो कहा देखिए, है? आपको मालूम है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, ये मुझे बोलने के लिए कहा गया था, TRP बढ़ाने के लिए। उसमें जितना भी आप एक्टिंग वगैरह देखते हैं ओमलीला के नाम से, वो सारा एक्टिंग है, रियलिटी उसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि तब बिग इसका मतलब बॉस आप जो थप्पड़ वाली बात करते हैं वो भी स्क्रिप्टेड था क्या? नहीं, वो मेरी बिग बॉस की और सलमान खान की मिली भगत थी। थप्पड़ तो मैंने मारा था, लेकिन लेकिन फिर वो कैसे मारा एक आपने? सेकंड, आप तो मैं कह रहे आपको हो बता मिली रहा भगत हूँ ना, थी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक TRP बढ़ाने के लिए, ये हम लोगों में आपस में फैसला हुआ था जिस वक्त मैं दिल्ली आया था। आपको मालूम है कि बिग बॉस के घर में रहते हुए भी मैं 2 बार दिल्ली आया था, ये जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को जो मैंने पीटा था 2 दिसंबर 2012 को उस मनमोहन सिंह केस को आपने में। पीटा था? हाँ, कब मनमोहन दो सिंह को पीटा था? दो दिसंबर दो स्वामी हजार जी बारह बहुत बड़ी को बात है, मनमोहन सिंह को पीटने वाली बात। नहीं, ये आपके चैनल वालों को मालूम है, वो केस अभी भी मेरे ऊपर में चल रहा है पटियाला हाउस में, पटियाला हाउस में वो केस अभी भी मेरे खिलाफ चल रहा है। और बिग बॉस के घर से 2 बार मैं वो तारीख अटेंड करने के लिए, कोर्ट अटेंड करने के लिए मैं आया हूँ, पूरा चार्टर प्लेन करके, 50 50 बाउंसर्स मेरे साथ में बिग बॉस केस भेजते कौन थे। गया तो इसमें अंकिता लाल के यहाँ स्वामी आज जी? जो मनमोहन सिंह को पीटा था आपके ऊपर केस दर्ज हो, केस नंबर कौन क्या था उसका? देखिए, केस नंबर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन PS चाणक्यपुरी में केस रजिस्टर हुआ था। आप जब नेट में डालेंगे तो केस नंबर वगैरह सारा डिटेल आ जाएगा। तो और उस केस में मैं आज भी मैं तारीख भुगत रहा हूँ, मैं उस केस में मैं जमानत पे हूँ अभी, तो मेरे खिलाफ इकलौता वही केस है पूरे वर्ल्ड में। तो और वो कई वैसे बार स्वामी जी, सलमान खान ने आपको कई बार बिग बॉस के अंदर बहुत बार बेइज्जत किया, और आप जाकर के आपको लास्ट में उन्होंने जाकर के फिर आपको भगाया वहां से, ये ऐसा कि स्क्रिप्टेड था या इसके पीछे क्या था फिर? देखिए, ऐसा है, ये सारा का सारा स्क्रिप्टेड था। भगाना सलमान, भी? एक मिनट सुनिए, सलमान खान को जो मैंने मारा, वो आपको मालूम है कि ये हम लोगों का, जब मैं दिल्ली में मैं दोनों बार आया, तो वहाँ पर बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद सलमान खान का एक रूम बना हुआ है जिसमें से सलमान खान निकल करके आता है स्टेज पे। वो बहुत बड़ा हॉल है, जैसे ये हॉल है आपका, उसी तरह से बहुत बड़ा हॉल है, एयर कंडीशन हॉल है। तो उसमें पहले दिन भी वहीं पे ले गए थे, जिसमें मुझे इसने दीपिका पादुकोण ने कहा था कि यदि आप सलमान खान के हिसाब से नहीं चलेंगे तो मैं आपके ऊपर बलात्कार का लेकिन इल्जाम लगा दूंगा। स्वामी जी, रोकना चाहूंगा, दीपिका पादुकोण के ऊपर आप बहुत बड़ा आरोप लगाते आए हैं, वो क्या देखिए, है? आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। मुझे बिग बॉस के घर में जो सारी एक्टिंग करनी पड़ी, वो दीपिका पादुकोण के और सलमान खान के धमकी की वजह से। पहले शुरू शुरू में इन लोगों ने नहीं, मुझे, जब मैं आप वहां, देखिए आपको मालूम है कि मैं टेलीविजन देखता नहीं था और अभी भी मैं नहीं देखता, मेरे पास में टाइम नहीं होता है। तो बिग बॉस का उद्घाटन, सीजन 10 का उद्घाटन करने से पहले सलमान खान वाला जो हॉल है, उस हॉल में सलमान खान, राजनायक और दीपिका पादुकोण और बिग बॉस के वरिष्ठ पदाधिकारी मलय प्रधान वगैरह, अभिषेक वगैरह सारे मेरे साथ में बैठे थे। उन्होंने ये कहा कि स्वामी आपने कई जी, बार दीपिका पादुकोण के ऊपर भी गलत बोला है, मैंने गलत नहीं आपको बोला, वो सच्चाई है। क्या सच्चाई दीपिका है? पादुकोण ने मुझे ये कहा था कि गुरुजी, यदि आप सलमान भाई के और बिग बॉस के कथनानुसार यदि आप एक्टिंग नहीं करेंगे तो आपके ऊपर में मैं बलात्कार का केस बना करके मैं आसाराम बापू की तरह मैं जेल में सड़ा दूंगी। देखिए, मेरे ऊपर मर्डर का केस लगता तो मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि मर्डर का केस तो मर्दों वाला होता है, और ये जो बलात्कार वाला केस होता है,
इसको आप जितना क्लेरिफिकेशन दे उतना ही जरा कीचड़ अपने ऊपर में आता है, तो मैं उस केस में फंसना नहीं चाहता था। तो मैंने उस वक्त उसको कहा कि ठीक है, आप मुझे बलात्कार के केस में मत फंसाइए, मैं जिस तरह से ये कहेंगे मैं वो एक्टिंग करूंगा, और वो मैंने किया। अच्छा सलमान खान स्क्रिप्टेड था। अच्छा आप सलमान खान की शादी भी करा रहे थे बिग बॉस में। हाँ वो भी डायलॉग था, डायलॉग मुझे सलमान खान ने बिग बॉस में बोलने के लिए कहा था। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जो 16 अक्टूबर 2016 को मैंने जो डायलॉग मेरे से इन्होंने बुलवाया था, इन्होंने तो मेरे से डायलॉग बुलवाया था, लेकिन उस लड़की को अभी भी मैंने रिजर्व करके रखा हुआ है। अभी जब सलमान खान मुझे उसकी बहन अर्पिता को जब डिलीवरी होने वाला था, तो डॉक्टरों ने कहा कि अर्पिता भी मर जाएगी, अर्पिता की बेटी आयत भी मर जाएगी, तो मुझे इन लोगों ने बुलाया था, तो मैंने कहा था कि कोई कोई नहीं मरेगा और मैं इसके लिए अनुष्ठान करता हूँ। अच्छा स्वामी जी, वो आपके YouTube पर वीडियोज बहुत आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, वो आप नग्न लड़कियों के साथ, अर्धनग्न लड़कियों के साथ आप अश्लील डांस करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो फोटोशॉपिंग है। और आपका आप अभी फुल पेंट शर्ट में हैं, आप मुझे यदि एक 5 मिनट का वीडियो इसी कपड़े में आप दे दें, तो मैं आपको आधे घंटे के बाद मैं आपको नंगे सेक्स करते हुए, आप भी नंगे होंगे, लड़की भी नंगी होगी, और ब्लू फिल्म बना करके मैं आपको दे दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चाई है, वो सच्चाई नहीं है। आजकल टेक्निक इतना फास्ट हो गया है, फोटोशॉपिंग वगैरह इतना फास्ट तो वो हो गया एडिटिंग है वीडियोज में। मैं हुई ही नहीं, मैं उसमें मैं हुई ही नहीं, मेरा सिर्फ एक वीडियो इन लोगों ने जो मेरा पहले से बना हुआ एक था। नहीं स्वामी जी, कम से कम 5 वीडियो हैं आपके यूट्यूब पर। अरे मेरे नहीं है वो फोटोशॉपिंग, इसको बनवाया है दाऊद इब्राहिम ने, जो इस देश का दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है, वो उसके पास में सारा टेक्निक है। अच्छा हाँ स्वामी, दाऊद इब्राहिम से याद आया कि आपने आरोप लगाया था कि दाऊद इब्राहिम आपको धमकी दे रहा है, कॉल आ रहा है आपके पास फोन। हाँ नहीं, वो तो कंप्लेंट भी है। आप ये देखिए कि जिस वक्त मैं हिंदी न्यूज चैनल में इसी नोएडा में मैं बैठा हुआ था, तो उस वक्त लाइव टेलीकास्ट के दौरान दाऊद का पर्सनल फोन से धमकी आई, जो पुलिस वालों ने भी सुना। वहां पर लगातार 5 घंटे तक वो लाइव चलता रहा, डीजीपी यूपी के डीजीपी तत्कालीन डीजीपी वगैरह सारे आ गए थे वहां स्टूडियो में। तो वो कोई छिपी हुई बात नहीं है, वो तो ऑलरेडी। स्वामी जी आप हिंदू महासभा से हैं? मैं हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ अभी। हाँ कौन सी वाली हिंदू महासभा? देखिए सारे ग्रुप को मिला करके हिंदू महासभा हमने बनाई है, जिसका मैं ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ, इसमें कई ग्रुप बने हुए हैं। चक्रपाणि महाराज कौन है? चक्रपाणि को 2006 में मैंने निकाल दिया था, कौशिक को मैंने 2006 में निकाल दिया था, ये लोग कोई हिंदू महासभा के ये लोग मेंबर तक नहीं है। आपको लेकिन कोई भी, आपको जितने भी संत हैं और जो भी धर्म गुरु हैं, वो तो आपको मानते नहीं हिंदू, वो तो कहते हैं कि वो हिंदू। सारे मानते हैं, मेरे नाम से कांपते हैं ये लोग। उसका वजह ये है कि इन लोगों की सारे कुकर्मों की का पर्दाफाश सिर्फ मैंने किया हुआ है, और ये लोग मेरे से जलते हैं। कौन कौन, जैसे नाम कुछ बताएं? जैसे आपका अखाड़ा परिषद का जो अध्यक्ष, सो कॉल्ड अध्यक्ष बना हुआ है क्रिमिनल, नरेंद्र गिरी, हरिगिरी, ये लोग सारे के सारे कुकर्मी लोग हैं, और इन कुकर्मियों का मैंने सभी चैनलों में पर्दाफाश किया हुआ, ये मेरे नाम से कांपते हैं। अभी भी जो प्रयाग कुंभ में मैं गया था, तो वहां भी मैंने इन लोगों से यही कहा कि तुम लोग हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तुम काम करना शुरू कर दो, वरना तुम्हारा जो दुष्चरित्र दुष्कर्म मैंने छिपा रखा है उसको खोल दूंगा, पब्लिक तेरी हड्डियां तोड़ देंगे।